नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका द ब्रेकफास्ट शो में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। अगले एक घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश विदेश की 20 बड़ी खबरें T20 न्यूज। नेपाल में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही, जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। अब तक से 170 लोगों की मौत, 55 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर की राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। पिछले 24 घंटों में जम्मू क्षेत्र में ये दूसरी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर, 1 पुलिसकर्मी शहीद, 2 अधिकारी घायल, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भरमार बंदूक, टिफिन बम समेत नक्सलियों की सामग्री को बरामद किया गया, भागने में कामयाब हुए नक्सली। आज से हरियाणा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पदयात्रा, 3 दिनों की यात्रा में शामिल हो सकती हैं प्रियंका गांधी, सूत्रों के हवाले से खबर। 25 से 30 विधानसभा कवर करने का लक्ष्य। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का आज 4वां दिन, राजधानी के भैंसा से होगी शुरुआत, कई नेता होंगे शामिल। महिला सुरक्षा को लेकर भूपेश बघेल का सरकार पर निशाना, कहा 10 महीने में लोगों को सुरक्षा देने में सरकार फेल, बदले की भावना से काम करने का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज झारखंड का दौरा, दुमका में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल, अर्जुन मुंडा की भी रहेगी मौजूदगी। भोपाल में आज जीतू पटवारी संगठन के पदाधिकारियों से करेंगे बातचीत, महिलाओं की सदस्यता अभियान पर ले सकते हैं रिपोर्ट, अभियान को लेकर बनाएंगे रणनीति। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास दीवार गिरने के मामले में बड़ा एक्शन, एसपी ने थाना प्रभारी और एसआई को निलंबित किया। जबलपुर पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी का निकाला जुलूस, पैदल कोर्ट लेकर जाकर पहुंची पुलिस, कोचिंग जाने वाली लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। कवर्धा पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, करीब 17,63,000 किलो गांजा जब्त किया, एक तस्कर गिरफ्तार। बिलासपुर में 70 लाख की ठगी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया, क्रिकेट में सिलेक्शन के नाम पर की थी ठगी। शाजापुर के मक्सी में विवाद के बाद जांच के लिए उज्जैन से पहुंची एफएसएल की टीम, घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य, गोली के चरे के मिले निशान। बिलासपुर में अवैध दुकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर, नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई, तहसीलदार ने जारी किया बेदखली का आदेश। रतलाम के निजी स्कूल में 5 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण, चौकीदार के नाबालिग बेटे पर आरोप, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में दिनदहाड़े युवक की हत्या से हड़कंप, 5 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम, तेज धार हथियारों से हमला किया। जांजगीर चांपा में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, धू धू कर जला ट्रक, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान, दमकल ने आग पर पाया काबू। हमासा और हिजबुल्ला के बाद हुती विद्रोहियों पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, यमन में हुती के ठिकानों को किया गया तबाह, हुती ने तेल अवीव में किया था हमला।